सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा और ये मैंने बनाई है ये रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, सिंपल सी ये रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमेशा की तरह करना है वीडियो को लाइक शेयर, बेल आइकन का बटन माना मत भूलिएगा ताकि मामा की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। एंड सब्सक्राइब इट टू। ये एक कप सूजी है, एक कप ऑयल है, हाफ कप चीनी है, 8 हरी इलायची है जिनका पाउडर बना लिया, ये काजू बादाम और मेवा, अब यहाँ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं आपको एक मेजरमेंट बता दूं कि जिस कप से आपने ऑयल को मेजरमेंट किया है उसी कप से आपने पानी को भी मेजरमेंट करना है। ये 4 कप पानी लिए हैं, अच्छा जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे और सूजी को तब तक भूनेंगे जब तक एक सुनहरी एक गोल्डन सा कलर ना आ जाए और इसके अंदर से प्यारी सी एक खुशबू ना उठना शुरू हो जाए। अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में ना मीठा थोड़ा कम खाया जाता है, अगर आपके घर में मीठा तेज़ खाया जाता है ना तो आपने जिस कप से सूजी और ऑयल को मेजरमेंट किया ना उसी कप से आपने चीनी को भी मेजरमेंट करना है। हम थोड़ा मीठा हल्का खाते हैं तो हमने 1/2 कप चीनी ली, वरना आप 1 कप ले सकते हैं अगर आप सूजी और ऑयल 1 कप ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ये इलायची पाउडर डाल दिया है, ये मेवे शामिल कर दिए हैं तो इनको भी थोड़ा सा भुनेंगे। ये काजू बादाम हैं और इनमें से हम 1/2 डालेंगे और 1/2 को गार्निश के लिए रख देंगे। अब देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, ध्यान से आपने यहाँ पानी शामिल करना है क्योंकि ऐसा होता है बाज दफ़ा कि छींटे बाहर आ जाती हैं तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे, और इसे कवर कर देंगे। देखें हमारी जो सूजी है वो ठीक होना शुरू हो गई है। अब आपने यहाँ पर आपने इसके अंदर चम्मच लाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। अच्छा मेरी बात सुने, इसके अंदर अब हमने डालना है फूड कलर और इसे मिक्स कर देना, अब अच्छी तरह मिक्स करना, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा हमने फूड कलर डालना, ज़्यादा भर के ही डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना। ये देखिए देखिए कितना प्यार से इसके अंदर से कलर आया। अभी देखें हमारा जो सूजी का हलवा है वो बिल्कुल अच्छा रेडी है, बस 1 से 2 दफ़ा इसको इसके अंदर चम्मच चलाएं ताकि नीचे से लगे ना। फिर जो फ्लेम है ना उसको थोड़ा सा हल्का कर दें और 5 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि ऑयल ज़रा अलग हो जाए। नहीं जी मज़ेदार सा सूजी का हलवा रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो मैंने बनाया मेरी तो सबने तारीफ़ की और मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा, तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। तो ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्यानिस किचन। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।